स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 छात्रों के लिए तीन बड़ी अपडेट जो आज इस वीडियो में निकल के सामने आ रही है क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई में हो ये कंफर्म नहीं है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं का जो हेयरिंग है वो आपका पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही क्लास 12 को लेकर हेयरिंग करने वाला है। अराउंड 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखते हुए जो है पिटीशन को सबमिट किया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को अगस्त में कराने की मांग जो है टीचर्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखा रही है। जुलाई में परीक्षाओं को कराना, देश में क्लास 12 के छात्र, टीचर्स और उनकी पूरी फैमिली को रिस्क में डालना होगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली अपडेट से। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड की चेयरमैन अनिता मैम ने आपकी हाई लेवल मीटिंग में कहा था कि हमने कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को 15 जुलाई से जो है स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि बात करें तो इसको लेकर जो है स्टार्ट करने की बात जो है उन्होंने हाई लेवल मीटिंग में कही थी। आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है 1 जुलाई को आने हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को जुलाई को लेकर जो बातें निकल के सामने आई उसको लेकर आपके बीजेपी के एमपी ने क्लियर किया कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को जुलाई में करना कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि हम कंडीशन देख रहे हैं। अगर जुलाई में उस समय कंडीशन बेहतर होता है तभी हम कुछ कह पाएंगे, यानी कि जुलाई से नेक्स्ट मंथ अगस्त भी एग्जाम्स जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 300 स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है लेटर लिखा है और उसको पिटीशन को सबमिट करवाया है उन्होंने अगेंस्ट ऑफलाइन एग्जामिनेशन को लेकर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर जो है ममता शर्मा द्वारा जो है पीआईएल दायर की जा चुकी है। तो खबरें ये है कि क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अराउंड 300 स्टूडेंट्स लिखे जाने के बाद जो है अब उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा। जैसे कि आपको पता होगा पीआईएल दायर कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। वो वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट का क्या फेवर है। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही क्लियर किया और आपके शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि गवर्नमेंट जो है एग्जाम्स कराने के फेवर में है, तो इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आ चुका है। तो क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आखिरकार यानी कि लास्ट ऑप्शन होने वाला है क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, उससे पहले 300 स्टूडेंट्स ने भी लेटर लिख दिया है। तो ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है साफ साफ क्लियर कर रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग भी आपको जल्द होने वाली है। लेटर जो लिखा गया उसमें फिजिकली एग्जाम्स को लेकर जो है पैंडमिक को पूरी देश में कंडीशन को यहां पर साफ साफ बताई गई है, और इस बात से मैं भी टोटली एग्री करता हूं कि देश में अभी सीबीएसई बोर्ड जिस तरीके से जल्दीबाजी कर रही है एग्जाम को लेकर, ये कहीं ना कहीं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त जो है इतनी जल्दीबाजी उनके लिए सही नहीं है। देश में पैंडमिक जो है पूरी तरीके से भारत में जो है अभी भी प्रॉपर जो है खतरा बना हुआ है। इसका कारण आप लोग देख लीजिए, आईपीएल एग्जाम जो स्थगित हुए थे, आईपीएल एग्जाम्स अगर देश में इतनी कंडीशन नॉर्मल होती तो आईपीएल एग्जाम्स को दोबारा शुरू करने का जो आपको टाइम मिला है, दोबारा शुरू करने की बात आ रही है, वो भी इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में आ रही है, यानी कि इंडिया में कंडीशन नहीं है। यही कारण है कि आईपीएल भी इंडिया में नहीं करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब है आर्टिकल्स जो है आपका आर्टिकल 14 आपको जो है लेटर में कही गई है, आर्टिकल 21 की याद दिलाई गई है कोर्ट को, जिसमें बात करें तो एग्जाम्स को लेकर वैक्सीनेशन की भी बात जो है आपको अराउंड 300 स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6-12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। वहीं सीबीएसई बोर्ड के थर्ड अपडेट की बात करें तो थर्ड अपडेट इस तरीके से होने वाली है, क्या जागरण जो उसके न्यूज़पेपर में आर्टिकल में छपा एक रिपोर्ट की माने तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर देश भर के टीचर्स भी जो हैं जुलाई को लेकर वो फेवर में नहीं है, यानी कि उनका भी कहना है कि परीक्षाओं को इतनी जल्दीबाजी में लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड को ऐसे में और विचार करना चाहिए। यानी कि टीचर्स की बात करें तो अगस्त को लेकर जो है पक्ष में है, टीचर्स का कहना है कि अगस्त से पहले परीक्षाओं के बारे में सोचना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स अगस्त को लेकर जा रहे हैं, अगस्त में अगर कंडीशन नहीं हुआ तो सितंबर को लेकर, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर कर सकते हैं लेकिन इंटरनल असेसमेंट नहीं दे सकते हैं। ये बड़ी बात है जो गवर्नमेंट पता नहीं गवर्नमेंट क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर क्या सोच रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेकर अगस्त को लेकर भी टीचरों की बात है यहां पर साफ साफ कही गई है। ऐसे में अगस्त के 3रे सप्ताह के बाद ही परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया जाए, ये टीचर्स का साफ साफ कहना है। आप लोग यहां पर पूरी कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, यानी अगस्त के 3रे सप्ताह यानी कि बात करें तो सितंबर के अराउंड जो है पेपर शुरू करने की बात जो है टीचर्स आपके कह रहे हैं।
तो एग्जामिनेशन को लेकर और भी लगातार अपडेट्स में बने हुए हैं। अभी किस वीडियो में तीन अपडेट आपने जाना था, इसी तरीके से और भी लगातार अपडेट में बने हुए। अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्लास 12th स्टूडेंट्स, जय हिंद।